पे थोड़ा ध्यान से। हमारी क्लास है पेरेंट क्लास। इस पेरेंट क्लास के पास दो वेरिएबल हैं, एक इंट और एक स्टैटिक वेरिएबल है, वो इंटीजर टाइप का है। उसके पास एक M1 फंक्शन है, उसमें हमने ए प्लस बी कराया। आपकी दूसरी क्लास है, ये दूसरी क्लास है, इसके पास भी एक इंटीजर एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल। इसके पास M2 इसमें एक्स प्लस वाई कराया। एक हमारी चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड ने किस पे नेट किया, पेरेंट वन को एंड पेरेंट टू को। तो ये आपका जो इनहेरिटेंस हुआ कौन सा हुआ, ये हो गया आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब इसके अंदर भी हम कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। सपोज इसके पास एक वेरिएबल है इंट में पी, ठीक है, और एक फंक्शन है पब्लिक, एक फंक्शन लिया पब्लिक void M3। M3 के अंदर जो हमने कुछ एग्जीक्यूट कराया cout, सपोज मैंने प्रिंट कराया x प्लस y प्लस a प्लस b प्लस सपोज p, ये मैंने प्रिंट, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, इंट मेन के अंदर clrscr एक फंक्शन लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमने सबसे पहले पेरेंट वन का ऑब्जेक्ट बनाया p1, एक ऑब्जेक्ट बनाया पेरेंट टू का ऑब्जेक्ट बनाया, पेरेंट टू का ऑब्जेक्ट बनाया p2, और एक बनाते हैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट p1 सपोज, ठीक है। अब p1 ने a की वैल्यू 10, P1 ने B की वैल्यू 20, ठीक है। हमारे जो क्लास है इसमें हमने A और B वेरिएबल ले रखे हैं पेरेंट वन में, ठीक है, और पेरेंट टू में ले रखे हमने X और Y, और यहीं आते हैं। इसी तरीके से P2 ने X की वैल्यू 100, P2 ने Y की वैल्यू 200 कर दी, ठीक है। इसी तरह से सी ने जो ए की वैल्यू थी वो 1000, सी ने बी की वैल्यू 2000, सी ने एक्स की वैल्यू 3000, सी ने वाई की वैल्यू 4000, सी ने पी की जो वैल्यू है वो 5000। अब जो P1 ने फंक्शन कॉल कराया, M1 फंक्शन कॉल कराया, P2 ने जो फंक्शन कॉल कराया, M2 फंक्शन कॉल कराया, P3 ने जो फंक्शन कॉल कराया, M3 फंक्शन कॉल कराया, सॉरी C1 है ना, इसको C ले लेते हैं, ये C है। चलो इस प्रोग्राम का आउटपुट बताओ क्या आएगा। यस बताइए, ये आपकी पेरेंट क्लास है, पेरेंट टू, ये चाइल्ड, ये मेन फंक्शन है इधर। अब आउटपुट बताओ क्या आएगा। आपको मैंने 2 मिनट दिए, चलो चेक करते हैं तुम्हारे सबके आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। अच्छा, इसमें ना स्टैटिक वेरिएबल है, इनको एक बार डिक्लेयर कर लेते हैं। मैंने C1 ले रखा है, इसको C कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल थे इनको हम डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पर, कि हमारी जो एक पेरेंट वन क्लास है, पेरेंट वन के अंदर हमारा एक वेरिएबल है X, सॉरी एक स्टैटिक वेरिएबल है। इंट पेरेंट टू के अंदर भी हमारा एक वेरिएबल क्या है, एक्स वाई वेरिएबल हमारा क्या है, स्टैटिक है। ये हमारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं, दो एरर दे रहा है, चेक करते हैं क्या है, मिसिंग, ओके, तो छोड़ दिया हमने। यहाँ पर सेमी कोलन हट, छोटे-छोटे मिस्टेक्स हैं, यस, गेट सी एच ओ लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम हो गया, इसमें
कैट सी एच रिटर्न जीरो। ये आया हमारा आउट। एक मिनट, इसमें गार्बेज वैल्यू क्यों आई है चेक करते हैं। थर्ड में ए बी एक्स वाई पी की वैल्यू, अच्छा ये है ना इससे ज्यादा होगी, इसे 5000 करते हैं, ठीक है 5000 करते हैं, ठीक है ये गलती होगी इनसे। ये हमारा 5000 है, ये 5000 है, इसको अब रन करते हैं क्योंकि इंटीजर की जरूरत नहीं होती है। 32767 से ज्यादा होगी ना, अब देखते हैं ये हमारा आउटपुट आएगा। अब चेक करो किस किस का आया है। सभी का गलत है, किसी का कोई सा आंसर गलत है, किसी का कौन सा आंसर। चलो चेक करते हैं ये आंसर आया कैसे, ठीक है आंसर नोट कर लेते हैं क्या आया हमारा। चलो चेक करते हैं कैसे एग्जीक्यूट हुआ हमारा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, पेरेंट क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, कलर चेंज कर देते पेन का। हमने पेरेंट क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया पी वन, इट विल कंटेन जो आपकी पेरेंट क्लास है। एक मिनट यहां पर दिखा देता हूं, ये हमारी पेरेंट क्लास होगी, जस्ट हमारी जो पेरेंट क्लास है उसके पास दो वेरिएबल है ए और बी, इसमें ए लोड हो गया, ठीक है, और एक वेरिएबल बी है। बी की जो इनिशियल वैल्यू होगी, बी हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं हम स्टार्टिंग में जीरो, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट बनाया पी टू, एक ऑब्जेक्ट और बनाते हैं पी टू, इट कंटेन ए वेरिएबल एक्स, एक वेरिएबल एक्स होगा जो कि इंस्टांस है, इंस्टांस वेरिएबल ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं, और जो आपका वेरिएबल वाई है ये हमारा यहां पर आ जाएगा बाहर, ये पहले ही लोड हो चुका है, इसकी ये स्टैटिक है ना, इसकी जो इनिशियल वैल्यू क्या है जीरो, ठीक है। जब चाइल्ड में आते हैं, चाइल्ड के पास ये हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड के पास जो आ जाएंगे वेरिएबल सी के पास वेरिएबल एक तो अपना पी है और एक इनाइट होके आया ए, एक आया एक्स, इसके पास तीन वेरिएबल है, ठीक है। अब चेक करते हैं, ठीक है जी यहां से स्टार्ट करें, पी ने पी वन ने ए की वैल्यू 10 कर दी, पी वन ने ए की वैल्यू 10 की, गुड। उसके बाद पी वन ने बी की वैल्यू कितनी कर दी 20, पी वन ने बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू कितनी कर दी 20, ये 20 होगी। पी टू ने एक्स की वैल्यू कितनी कर दी 100, ये 100 होगी। पी टू ने वाई की वैल्यू कितनी कर दी 200, ये 200 होगी। अब सी ने ए की वैल्यू कितनी करी 1000, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1000, ठीक है। सी ने बी की वैल्यू कितनी कर दी, बी की वैल्यू 2000, तो बी की वैल्यू कितनी कर दी इसने 2000, पहले 20 थी ये करती। सी वन ने एक्स की वैल्यू कितनी कर दी, सी ने एक्स की वैल्यू 3000, ये 3000 हो गया। सी ने वाई की वैल्यू क्या कर दी 4000, y की वैल्यू कितनी कर दी 4000, ये वैल्यू चेंज होगी, क्या होगी आपकी 4000, ठीक है। सी वन ने पी, सी ने पी की वैल्यू कितनी कर दी आपकी 5000, ये 5000, ठीक है ओके। अब आ जाओ, आपने कौन कौन सा फंक्शन कॉल कराया इसमें नीचे है प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम के अंदर जो हमने कॉल कराए, एक तो मैं यहां यहीं पर लिख देता हूं,
एक तो P1 ने कौन सा फंक्शन कॉल कराया, M1 फंक्शन कॉल करा रखा है, तो M1 फंक्शन कॉल कराया तो M1 फंक्शन पे जाओ, M1 फंक्शन के अंदर A और B ऐड हो रहे हैं, A और B, A किसका, जिसने कॉल कराया P1 का, तो उसकी वैल्यू कितनी है 10, ठीक है जी, और B की वैल्यू कितनी है 2000, तो 10 और 2000 कितना हो गया, ये हो गया आपका 2010, ठीक है जी, गुड, जिसका ये आंसर सही है। ओके नेक्स्ट, P2 ने कौन सा फंक्शन कॉल कराया, M2 फंक्शन कॉल कराया, M2 फंक्शन कॉल कराया, M2 फंक्शन कॉल कराया, M2 पे आते हैं, XY, X किसका, जिसने कॉल कराया P2 का, X 100 और Y आपका 4000, 4000 और 100 ये आ गया आपका 4100। फिर उसके बाद P3 ने जो फंक्शन कॉल कराया, M3 फंक्शन कॉल कराया, सॉरी ये C ने फंक्शन कॉल कराया, C ने M3, और इसके अंदर हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, X प्लस वाई प्लस ए प्लस बी प्लस वाई, तो X की वैल्यू कितनी है 3000, Y की वैल्यू 4000, 3000, 4000, 7000, A की वैल्यू 1000, 8000 हो गए, B की वैल्यू कितनी है 2000, कितने हो गए टोटल, ये हो गया 10000, और P की वैल्यू कितनी है 5000, तो टोटल कितना आ गया 15000 हो गया, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है, आपने ये डायग्राम बना के नहीं देखे होंगे, इस तरह से इनके बिना आप सोल्व ही नहीं कर सकते नहीं। ओके ये आपका प्रोग्राम हो गया जो मैंने बनाया है, इसका आउटपुट ही आया, ठीक है, ये हमारा था मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक लास्ट इनहेरिटेंस बचता है आपका फिफ्थ वन, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, देखो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होगा, अभी जितने भी मैंने इनहेरिटेंस बताए इनमें कुछ में ना प्रॉब्लम आएगी, उन प्रॉब्लम्स को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले टॉपिक खत्म कर लेते हैं इनहेरिटेंस का, इसके बाद हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर वो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे, तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होगा, सच इनहेरिटेंस इन विच टू और मोर इनहेरिटेंस आर इन्वॉल्व, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा इनहेरिटेंस इन्वॉल्व होंगे वो क्या होगा आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस होगा, है ना, सच इनहेरिटेंस इन विच टू और मोर इनहेरिटेंस, टू और मोर इनहेरिटेंस आर आर इन्वॉल्व, है ना, जिसमें सच इनहेरिटेंस इन विच टू और मोर इनहेरिटेंस आर इन्वॉल्व आर कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस, है ना, और When two or more inheritance are involved, in a single program, है ना, जब एक प्रोग्राम की, जब when two or more inheritance are involved in a single program, सच प्रोग्राम इज कॉल्ड, सच प्रोग्राम इज कॉल्ड, ऐसे प्रोग्राम को क्या कहें, सच प्रोग्राम इज कॉल्ड हाइब्रिड, हाइब्रिड इनहेरिटेंस प्रोग्राम, ठीक है, इसका एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे एक क्लास ये है, सपोज एक क्लास ये है ए की, एक क्लास सपोज ये है, ठीक है, ये इसको इनहेरिट कर रहा है,
ये इसे नेट कर रहा है, ये इन दोनों को नेट कर रही है। इस टाइप से ठीक है। ये आपकी पेरेंट, कोई भी चाइल्ड ले लो, ये क्लास सपोज ए है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये क्लास है हमारी ए, ये क्लास है हमारी बी, ठीक है जी। ये क्लास है हमारी सपोज सी, और एक क्लास है हमारी। तो ये अगर आप यहां पर थोड़ा ध्यान से देखें, अगर मैं इसी नेट एंड्स की बात करूं, कौन से वाले की, सिर्फ इसकी, सिर्फ इस नेट एंड्स की बात करूं, ये जो नेट एंड्स है आपका, ये बताएगा कौन सा नेट एंड्स है, सिर्फ इसकी बात करो, जो रेड कलर एरिया में, ये मल्टी लेवल है, कुछ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, इन तीनों की, ये कौन सा नेट एंड्स आपका, यस, ये कौन सा नेट एंड्स आपका, रेडिकली नेट एंड्स, हाँ है ना। ठीक है जी। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी इन दोनों की बात करूं, सपोज दीज टू, इन दोनों की बात करूं, तो ये आपका कौन सा नेट आंसर है, सिर्फ ये वाला, ये आपका सिंगल हो गया, सिंगल इनहेरिटेंस। तो इस तरह के आपका इसी इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है, आपकी मल्टीपल क्लास इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, मल्टीपल क्लास इन्वॉल्व हो रही है, और मल्टीपल इनहेरिटेंस आर इन्वॉल्व्ड, इसमें बहुत सारे इनहेरिटेंस हो रहे हैं अलग अलग, अगर देखा जाए तो ये आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इस टाइप का जो इनहेरिटेंस को होगा उसको क्या कहेंगे हम, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। समझ में आया है, ठीक है। आप इस तरह से भी पढ़ा सकते हैं, ये लिया मैंने एक, ये लिया, ये लिया एक क्लास, दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, इस तरह का जो इनहेरिटेंस होगा ये भी आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अगर मैं सिर्फ इतने इनहेरिटेंस की बात करूं, सिर्फ इसकी, इसी इनहेरिटेंस की बात करूं, तो ये कौन सा इनहेरिटेंस है बोलो, मल्टी पल इनहेरिटेंस हो गए, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इतने इनहेरिटेंस की बात करूं, सपोज इस वाले इनहेरिटेंस की बात करूं,
ये कौन सा इनहेरिटेंस है? ये आपका रेडिकल हो गया। हाँ ऊपर जो हमने डायग्राम बनाया था ये आपका मल्टीपल था भाई, ये जो हमने बनाया था ना ये वाला ग्रीन कलर में है, ये गलत बना दिया, ये आपका मल्टीपल है। ये गलती हो गया, मल्टीपल ये मल्टीपल ही इनहेरिटेंस था। ठीक है सही कर सकते। ओके ये रेडिकल हो गया आपका। अगर मैं इन तीनों की बात करूं सिर्फ और सिर्फ इन तीन की, वन तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, ये आपका हो जाएगा मल्टी लेवल। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस उस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ये क्या हो जाएगा आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे जिसमें दो या दो से ज्यादा इनहेरिटेंस इन्वॉल्व होंगे, उसको हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहेंगे। ध्यान रखना, क्लियर है सभी को? ठीक है गुड। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। जैसे ये ले लेते हैं, क्लास मैंने ए ली, लाइव वहीं पे ले लेते हैं स्क्रीन। एक न्यू फाइल ली, क्लास इंक्लूड फोर्मियो डॉट एच एस इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच। एक क्लास ले ली मैंने सपोज ए, ठीक है इसमें ज्यादा कुछ लेते हैं समझने के लिए लेते हैं पब्लिक। इसके पास एक वेरिएबल है इंट में एक्स, एक क्लास ले ली बी, बी जो इनहेरिट कर रही है, किसको इनहेरिट कर रही है पब्लिकली ए को। इसके पास भी सपोज एक वेरिएबल है पब्लिक इंट में वाई, ठीक है। एक क्लास और ले लेते हैं क्लास सी, क्लास सी है उसके पास भी एक वेरिएबल है इंट में जेड, ठीक है जी। और एक क्लास लेते हैं हम आपकी क्लास डी, ठीक है क्लास डी ये जो इनहेरिट कर रही है पब्लिकली ये बी को इनहेरिट कर रही है कॉमा, और पब्लिकली इनहेरिट कर रही है किसको सी। इस तरीके से तो एक किस तरह का इनहेरिटेंस हुआ, हाइब्रिड इनहेरिटेंस हुआ। ठीक है कैसे काम करेगा ये देखो, इसके अंदर हम भी एक वेरिएबल ले लेते हैं सपोज पब्लिक इंट में पी, सपोज तो हमने क्या किया इसमें थोड़ा ध्यान से देखो। हमारा जो एक क्लास है ए, इसके पास एक वेरिएबल है एक्स, इसको जो इनहेरिट किया बी ने इनहेरिट करा किसको एक्स को ए को। ये हमारी क्लास बी है, ठीक है। एक क्लास सी है, क्लास सी सी किसी को इनहेरिट नहीं कर रही, इसके पास एक वेरिएबल है जेड, ठीक है। और ये हमारी क्लास बी है, और बी के पास जो वेरिएबल है क्या है वाई है, ये वाई है। हमारी क्लास जो डी है, जो डी है वो किसको इनहेरिट कर रही है, वो इनहेरिट कर रही है बी को भी और सी को भी।
बी को भी सी को, तो इस तरह का इनहेरिटेंस बनेगा। ठीक है, तो कोई बताएगा कि जो आपकी डी क्लास है, इस डी क्लास के पास कितने वेरिएबल है टोटल? फोर। हाँ, फोर वेरिएबल होंगे। ठीक है, इसको ड्राइंग को इरेज कर देता हूँ। वर्ड एम वन एक फंक्शन लिया, इसके अंदर मैंने प्रिंट कराया सी आउट एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी। ठीक है, ब्रेक क्लास ले ली, क्लोज हो गया हमारी इंट मेन। इंट मेन के अंदर सी एल आर एस सी आर फंक्शन लिया, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया डी क्लास का डी स्मॉल डी। ठीक है, और डी ने एक्स की वैल्यू वन, डी ने वाई की वैल्यू, डी ने जेड की वैल्यू थ्री, डी ने पी की वैल्यू फोर, और डी ने कौन सा फंक्शन कॉल कराया? एम वन फंक्शन कॉल कराया। तो आउटपुट क्या आ जाएगा भाई आपका? रिटर्न जीरो। यस, तो आपका आउटपुट कितना आ जाएगा? टेन आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। ठीक है, कंट्रोल एफ नाइन, ये आपका आउटपुट टेन आ। ठीक है, इस तरह से एग्जीक्यूट हो, तो ये एग्जांपल हुआ किसका? आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। क्लियर है सभी का? तो ये टोटल हमारे फाइव टाइप के इनहेरिटेंस थे। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है इनहेरिटेंस का। अभी इनहेरिटेंस में कुछ प्रॉब्लम आएगी, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम्स, कल वो सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। कल ये क्लास मिस मत करना, क्योंकि क्वेश्चंस है ना इनहेरिटेंस में से, प्रॉब्लम्स में से जरूर आता है। इंटरव्यू में पूछते हैं आपके, वाइवा में पूछते हैं, और एग्जाम में भी आने के पूरे चांस है आपके। ठीक है, क्लियर सभी के? कल मिलते हैं फिर।